What's up, this is Asam Arki. Welcome to my YouTube channel, Raza Kazmi Vlogs. Today is date 3, 10th September 2020. Time business सुबह के 6:30. कल रात हमने इस जगह पे कैंपिंग की है. पीछे मेरे कैंप स्पॉट है और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कैंपिंग की हुई थी. जो मेन स्ट्रीम की बात थी, यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल था और इलेक्ट्रिसिटी थी, तो फोन्स वगैरह सारे इक्विपमेंट चार्ज हो गए. आज का व्लॉग बहुत क्रेजी होने लगा क्योंकि आज मैं ड्रीम टॉप करने वाला हूँ बदगोई पास, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता आपको. तो अभी का सीन ऐसा है, मुँह हाथ धो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, अब बस यहाँ से निकलना है. यहाँ से निकल के सामान पैक करके उसके बाद आपसे मिलते हैं. ये जिस लोकेशन पे मैं रुका था, ये लोकेशन है गुलाम हुसैन भाई. आप कैंपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं और इस जगह को भी एंजॉय कर सकते हैं. सबसे ज्यादा कैंपिंग में इशू होता है वॉशरूम का, तो वॉशरूम भी अवेलेबल है, पानी हर टाइम अवेलेबल है, खाना अच्छा अवेलेबल है. जी, यहाँ पे कैंपिंग साइट है, तो लोग यहाँ पे अगर आ जाए कैंपिंग करने के लिए तो जगह यहाँ की बहुत अभी खूबसूरती यहाँ की देख रहे हैं. ये मेरा नंबर है 03-03478-96-5577. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच. जी, टाइम हो रहे हैं 8:30, लेट इस वजह से हो गए थोड़ा सा, क्योंकि अफसर साहब को जाना था वहाँ सुबह सुबह, जिसका ख्याल सबको आ जाता है. समझ तो गए होंगे आप. आते भाई ग्लव्स चेंज कर लिए, आज यार ठंड पड़ गई है, ग्लव्स चेंज कर लिए. आपके ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच. या अल्लाह कर मदद, थोड़ा सा वेदर खोल लिया जाए. फ्यूलिंग कराने की जरूरत है नहीं वैसे, मगर एहतियातन करा लेते हैं. हाथी हाथी 500 का. ऑल राइट जी, त्रोर रोड की शुरू की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं. जीप ट्रैक कहते हैं इसको, मगर ये गाड़ियों का ट्रैक भी है. मुझे लगता है सिर्फ अभी तक सड़क नहीं बनी हुई, ये अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टिंग से रिलेटेड है. यहाँ पे बजरी वजरी डल रही है, सड़क बनने का कोई इम्कानात लग रहे हैं यार. इस तरह की सड़क हो तो मैं खड़े होकर मंड सकता हूँ बाइक, मगर ये बीच में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं. ये लफ्जों से बयान नहीं हो सकता यार, क्या खूबसूरती है यार. लाइट जी, दिस इज द हथरोर विलेज. यहाँ पे मैकेनिक हैं, गाड़ियाँ 4x4 के अलावा प्रोबॉक्स फिल्डर, ये सब गाड़ियाँ मैंने यहाँ देखी हैं. जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ मिलती है गौरमे, गौरमे इज अवेलेबल. इस इलाके में जो सबसे मशहूर सब्जी होती है वो है शलजम. हर बंदा यहाँ शलजम जो है ना वो लगाई हुई हर बंदे ने. जल्दी चढ़ाएं बाइक यहाँ पे, या उधर चढ़ाएं, इस रास्ते से चढ़ ही नहीं सकती बाइक. वापसी की सड़क कहाँ से है? सही हो गया. अच्छा इधर चलते हैं. आप कहाँ से? लाहौर से. पहले मैं चढ़ूं? सारे सफर पहले रहा है, इधर चढ़ाने वाली बारी है. 1 2 3 गो बस. भाई वहाँ नहीं जाएगा, जाएगा यार. 150 है ना डिलक्स? नहीं, होंडा 150 है, ये सीबी 150 है. वहाँ कभी भी नहीं जाएगा ये, यहाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ा.
आ रहा के नहीं? अल्लाह, सीधा रखना था यार, जाने दे, जाने दे, क्लच क्लच छोड़ दे, जाने दे, क्लच ना दबा, ऑलराइट जी, हम पहुंच गए अपनी बाइकों के साथ। हाउ इज द फीलिंग मैन? ओह जी, हम पहुंच गए हैं बदगोई पास, और बदगोई पास मेरे बिल्कुल सामने है, और ये हैं वकील खान साहब, और ये यहाँ पे जीप चलाते हैं। ये बॉर्डर लाइन है, जिस साइड पे मैं इस वक्त बैठा हूँ ये कुमराट की साइड है, और उस ये साइड कुमराट की है, और उससे बिल्कुल जो मेरे सामने आपको दिख रही है वो साइड सवाद की है। ऑलराइट जी, ओके सर, लाफेस। पहले मैं असद को उतरता हुआ देख लूँ, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट जी, यहाँ का सीन ऐसा है कि अब हम सवाद रीजन से कुमराट रीजन में एंटर होने लगे हैं। किधर से? नहीं नहीं, पीछे से कहाँ के हो? नरोवाल। सर 70 सही चल रही है? सच बताना यार, मजा आ रहा है? दो बंदे हो? हाँ, दो बंदे, पीछे बाकी सारे आ रहे हैं, 8 बाइक्स हैं। 70 में सारे? नहीं, पीछे दूसरे वाले हैं। अच्छा, रास्ता सारा ऐसा है या बेहतर है नीचे? अब सारा रास्ता उतराई का, आप चढ़ाई चढ़ के आए हो। बस सही है, अब हमारे लिए आसानी है, दोनों के लिए, आपके लिए भी है। असल में आपके लिए भी यही थोड़ी सी चढ़ाई रह गई, ज्यादा नहीं है। लाहौर से? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अकेला ट्रैवल करता रहा हूँ, अभी तक तो कोई मसला नहीं किया इसमें, शुक्र। अच्छा जी, पहले ठीक है, आगे 3-4 किलोमीटर ना जो बहुत। भैया हिम्मत आप लोगों की यार, इसके साथ भी जुल्म कर रहे हो, खुद के साथ भी, वो भी दो दो बंदे बिठा के यार। दो नहीं, तीन बंदे। वैसे मैं सही बात बताऊं, डिजर्विंग लोग हो आप लोग, मतलब जिनको अवार्ड मिलना चाहिए यार। वैसे बगैर हेलमेट के, बगैर चीजों के, पीछे बैठा, मैं इसको जबरदस्ती चीजें पहना के लाया हूँ यार। ये इसकी जैकेट, हमारी पूरी जैकेट में सामान है, कहीं खुदा ना खास्ता, अभी तक हम इतने टूर कर लिए गिरे नहीं है, मगर खुदा ना खास्ता गिर जाए। अभी हमारा रास्ते में हुआ ना, उस लड़के ने पहना हुआ था, हमारा हो गया था। सही हो गया। आ रहे हो आप सारे इस टाइम? बस सही यार, क्या ना चैनल का क्या ना अपने चैनल का बता देना, ओके जी। भैया वाकई इनकी अजमत को सलाम है, कसम से, ये ऐसी चढ़ाई में 70 ले आए हैं, ऊपर से 2-3 बंदों के साथ। गाइस आप लोग आ रहे हो नीचे कमेंट करना, ठीक है, अगर ये वीडियो देख लो तो। अभी गिरने लगा था, आई जस्ट सेव माई सेल्फ। और यहाँ पे एक है होटल बना हुआ छोटा सा, ऊपर यार होटल था मगर ना वहाँ था कोई बंदा नहीं था, तो यहाँ पे एक है होटल मगर यहाँ भी कुछ नहीं है इस वक्त, सब बंद पड़ा। ऑल राइट जी गाइस, दिस इज द एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग।
अंग अंग हिला दिए इसने है ना। ऑल नाइट लॉरा आर्कियंस लुक एट द व्यू बैंस लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। यार इस लोकेशन में घर हो कसम से। एक्सट्रीम स्विट्जरलैंड यार, ये पाकिस्तान कहीं से लग ही नहीं रहा। ऑल राइट, आप जब ऊपर से उतरते हैं वडगोई से तो एक रास्ता कुमराट की तरफ जाता है, उससे पहले एक रास्ता जासबांडा की तरफ जाता है। सद रहमान पुरे का चीता है चड्डी में छेद करके जीता है। हम ऐसे तैसे कैसे पानी की क्रॉसिंग्स को तय करते हुए पहुंच चुके हैं कुमराट। ऑल राइट जी, आई एम राइट नाउ इन कुमराट फॉरेस्ट और वो सामने से दरिया है कुमराट। दिस इज व्हाट आई वांट। ऑलराइट गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि हम कैंप सेटल कर चुके हैं और यहाँ पे क्या लोकेशन पे कैंप लगाया है। इस लोकेशन पे कैंपिंग यार मेरा ड्रीम था, मैं अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रात के लिए क्योंकि थके हुए हम बहुत ज्यादा हैं, तो अगर यहाँ सोएंगे तो क्या फील आएगी। और सुबह उस पानी में जाके मुँह हाथ धो के टूथब्रश करके मजे। ऑलराइट गाइस, अभी का सीन ऐसा है कि हमने कुमराट में आके कैंपिंग कर लिया 8-9 घंटे की मुसलसल ख्वारी के बाद। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं रात में यहाँ स्पेंड करूंगा। असल कितना एक्साइटेड है रात के लिए? रात के लिए एक्साइटेड भी हैं और थोड़ा डर। जगह ही ऐसी है। All right guys, I'm in या कोल्ड वाटर। मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा ठंडा है। ये सारी पीछे की लोकेशन है एक्सट्रीम गुड, मतलब जिसके लिए आए हैं इतनी मेहनत करके इतना टाइम ज़ाया करके वो ये है। यहाँ रात को कैंपिंग करेंगे, मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे रिलेटेड। ये रोटियाँ और ये दाल माश है। तो गाइज़ अभी का सीन ऐसा कि हम रात का खाना खाने लगे हैं, दोपहर का नाश्ता और कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो इसलिए हमने कहा एक ही दफ़ा जो भी मिलेगा खा लेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग बूम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फीलिंग है, यहाँ पर पहुँच के एक नया व्यू देखने को मिल रहा है और ठंड जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। बदगोई यहाँ ऊपर इस तरफ है बिल्कुल टॉप। व्यू बता कैसा है? व्यू व्यू बहुत अच्छा है। सारे पैसे बस व्यू के हैं, तो हमने सोचा यार अब आए हैं तो कैमरा निकालें और तुम्हें बताएं कि यार सीन्स ये हैं।